हाय फ्रेंड्स, स्वाद लाजवाब में आज हम आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही ना के बराबर ऑयल का यूज़ होगा और जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस तो ज़रूर कीजिएगा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने मूँग की दाल, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। मूंग की दाल छिलके वाली भी ले सकते हैं आप। अब इसमें से पानी निकाल दिया है और मिक्सी के जार में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दरदरा पीसेंगे। बहुत महीन नहीं पीसना है, बारीक नहीं पीसना, दरदरा पीसना है। इससे हमारा जो चीला है बहुत अच्छा बनेगा, कुरकुरा बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, जिसमें नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा, लाल मिर्च पाउडर, हींग और अदरक। इसको हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेते हैं। यदि अदरक नहीं है तो आप सौंठ भी डाल सकते हैं। और डालेंगे हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और धनिया, धनिया मेरे पास सूखा है क्योंकि इस समय ताज़ा नहीं था, मैं सुखा के रखती हूँ, वो मैंने डाला है। और डाला है 1/4 कप बेसन। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बेसन डालने से ये होता है, बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए जब आप दाल के चीले बना रहे हों तो बेसन ज़रूर डालें। अच्छी तरीके से मिलाएंगे और जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट लगातार चलाना है ताकि दाल थोड़ी सी हल्की हो जाए और हमारे चीले बहुत ही अच्छे बने। हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये मैंने स्टफिंग के लिए पनीर लिया है, ग्रेट कर लिया है इसको। इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च, हरी मिर्च फिर ऑप्शनल है, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, स्वीट कॉर्न, नमक, लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच चाट मसाला। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न यूज़ किया है। आप चाहें गाजर भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स आपके अकॉर्डिंग हो। इसमें वही धनिया मैंने डाला है, ड्राई धनिया है। दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, स्टफिंग भी और हमारा चीले का बैटर भी। हमने फ्राई पैन रख दिया है गैस के ऊपर और उस पर हम हल्का सा ऑयल लगा रहे हैं। जो हमने चीले का बैटर तैयार किया था मूंग की दाल का, उसको हम 2 कलछी डालेंगे और फैला देंगे। बैटर हमारा बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी रहेगी तो हमारा जो स्टफ चीला है बहुत अच्छा बनेगा। इसको हमने ढक दिया है ताकि सिक जाए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सेकना है और इसको पलट देंगे। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी, धनिया पुदीने की या सॉस या फिर मीठी इमली की चटनी भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब जो हमने फिलिंग तैयार करी थी पनीर की और वेजिटेबल की, उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से, ताकि हर बाइट में हमें स्टफिंग का टेस्ट आ सके। और हमारे बैटर जो रखा था उसको हम इससे कवर कर देंगे, जो हमारी पनीर की स्टफिंग है वो कवर हो जाएगी। बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसको फैला देंगे। आपने ब्रेड के सैंडविच तो बहुत खाए होंगे, आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल के चीला सैंडविच, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इसको अब हम ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ऊपर से हल्का सा लगेगा, दाल हमारी सेट हो गई है तो हम हल्का सा ब्रश से ऑयली कर रहे हैं, बहुत ही कम। इस रेसिपी में हम ऑयल बिल्कुल ज़रा सा यूज़ कर रहे हैं। और फिर ढक दिया है हमने। 4 से 5 मिनट के बीच में ये हमारा सिक गया है, इसको पलट दिया है और फिर हम ढक देंगे। ढक हम इसलिए रहे ताकि हमारी दाल, वेजिटेबल सब अच्छी तरीके से क्रिस्पी और अच्छी तरीके से पक जाए।
हमें दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सेकना है। थोड़ा बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब बन के आता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। हमारा धीरे धीरे सिक रहा है, फिर ढक देते हैं ताकि और अच्छी तरीके से सिक जाए। क्रिस्पी करना है हमें दोनों तरफ से। लीजिए, बनके तैयार हो गया हमारा स्टफ्ड मूंग की दाल का चीला। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इसको गरम गरम पीसेस में काट लेते हैं ताकि खाने में आसानी रहे और हमारे सैंडविच की शेप में आ जाए। लीजिए, तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, बहुत कम ऑयल में स्टफ्ड चीला। दोस्तों, इसे धनिए की चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।